Okay, so local authority is also included in the definition of person. Now, every artificial judicial person. Now, what is artificial judicial person? Not falling within any preceding sub clauses. आपके ऊपर वाले किसी भी हेडिंग में नहीं आता है, वो ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है, ना कंपनी में आता है, ना फर्म में आता है, नीदर इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नॉर अ लोकल अथॉरिटी. सो एनीथिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव केसेस कैन बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एग्जाम्पल ना यूनिवर्सिटीज है ना, यूनिवर्सिटीज होती है आर्टिफिशियल judicial person. Judicial means it should be legal, it should be under the law, it should be registered under the law. Okay, respective laws. Universities has a different law, and then kya bol sakte hain. Artificial judicial person ka example hum ye bhi le sakte hain, jaise koi cooperative association hai, us wo bhi hamara artificial judicial person ho gaya. ठीक है, अब इसमें ना जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटीज, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के हेडिंग के अंदर आ सकती हैं और उनको पर्सन माना गया है. आया समझ में? अब यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के अंदर इतने सारे टीचर्स होते हैं, उनकी इनकम होती है, नहीं हम सीधा देखेंगे यूनिवर्सिटीज कितना अर्न करती हैं. आया समझ में? तो डायरेक्टली सबके ऊपर टैक्स लग रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या देखा, उनका हेड कितना अर्न करता है. अब मैं उनके सबॉर्डिनेट्स को नहीं देखूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती है फिर ऐसे तो आपके एरिया तक, सब तक तो नहीं पहुंच सकती ना ऐसे गवर्नमेंट. ठीक है, इसलिए ये रीजन है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 को एलैबोरेट किया गया. अब आगे भी ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये आप लोगों के लिए ही आपको पढ़ना है. देखो इंडिविजुअल में ह्यूमन बीइंग फीमेल मेल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता है एंड इट्स मेंबर्स नोन एज को-पार्टनर्स, ये हम डिस्कस कर चुके. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. अभी तो खैर ये चेंज हो गया, इट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट को मॉडिफाई किया है. ओके, इट इज एन एंटिटी. फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म कैसे होता है? देखो LLP लिखा हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है ना, सो इट इज अ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, कोई भी क्लब, क्लब का मैंने एग्जांपल दिया ना, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्लब है, तो ये आ गए आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, कैन नॉट हैव नॉन इंडिविजुअल एज इट्स मेंबर, मतलब इंडिविजुअल्स होने चाहिए इसमें. ओनली नेचुरल ह्यूमन बींग्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ऑफकोर्स, तो आपको नेचुरल ह्यूमन बींग चाहिए ना कोई भी ग्रुप बनाने के लिए. ठीक है, लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, कैंटनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एक्सेट्रा, आदि, दीज आर ऑल लोकल अथॉरिटीज. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया, देखो यूनिवर्सिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी. ठीक है, लेजिस्लेचर के हिसाब से आपकी कौन सी जो बॉडी होती है ना, जिसको हमने लेजिस्लेचर में डाला गया है, उसको रजिस्टर्ड किया है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. अब देखो, अब मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई वांट यू टू आंसर देम वेरी क्विकली, वेरी क्विकली. आई वांट यू टू आंसर देम, ओके, वन बाय वन. एग्जाम्पल ऑफ पर्सन आई विल लुक एट द चैट बॉक्स ऑल्सो, एंड इट इज फॉर यू ऑल टू आंसर मी. These are the questions for you. Determine the status of following persons. Who is who? You have to tell me that. Reliance Industry Limited is a is a individual, is a company, is a AOP, is a company. BPO. Company. Yes, company. Company. No, Jaya, artificial person नहीं है ये. Artificial person में तो बहुत होते हैं. Artificial person क्या? Hindu undivided family भी artificial है. Company भी artificial. मैं पहले क्या बोल रही हो बेटा? जया मैम, जयश्री ने बोला है, मैंने नहीं. हाँ, सॉरी, जयश्री बोलना था, मैंने गलती से जया बोली. जयश्री बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा. इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सारे आर्टिफिशियल पर्सन है. ओके, एक्सेप्ट इंडिविजुअल एवरीबडी इज आर्टिफिशियल पर्सन. एवरी आई मीन लुक एट दिस स्लाइड.
एक्सेप्ट इंडिविजुअल एवरीथिंग इज कंसिडर्ड आर्टिफिशियल पर्सन. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी फर्म एओपी बीओआई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ओके चलो आगे मुझे आंसर दो. फर्स्ट इज अ कंपनी पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक यस कंपनी कंपनी मैम. वेरी गुड स्वाति कंपनी. ये कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी है बट है तो कंपनी ना. इट इज अ बैंकिंग कंपनी. ओके बट इट इज अ कंपनी. मद्रास यूनिवर्सिटी. टेल मी मद्रास यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल 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 जुडिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ओके कैलकटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. कैलकटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओ माय गॉड मैंने अभी अभी बताया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. टेल मी लोकल. यस काजल वेरी गुड. लोकल अथॉरिटी. यस वेरी गुड. पार्टनरशिप फॉर्म विथ ए बी सी एज देयर पार्टनर्स. फर्म. यस वेरी गुड. अ क्विक आंसर. वेरी गुड फर्म. वेरी गुड. अ ब्राह्मण परिवार कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर ए हिज ब्रदर बी मिसेस ए एंड बी. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. परिवार. परिवार मतलब क्या? ब्राह्मण परिवार कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर ए हिज ब्रदर बी एंड देयर वाइव्स. है ना? ओके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. वेरी गुड. गुड जॉब. कीप इट अप. कल्याणी पब्लिशर्स लिमिटेड. कंपनी मैम. यस वेरी गुड. लिमिटेड. यस लिमिटेड वर्ड शोज दैट इट इज अ कंपनी. वेरी गुड शुभम. वेरी नाइस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कंपनी. वेरी गुड. It is head of the banking companies. It is godfather of the banking companies. But still it is company. No. It is company. Life Insurance Corporation of India. Company. Company. Very good. Please don't misunderstand the word corporation. That was municipal corporation. And that was yes, local ma'am. Authority. Please don't misunderstand the words between different companies and the corporations. Okay. Okay. Next is Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India. Individual. Very good. Individual. Very good. Very good. Mr. Narendra Modi, individual. A village panchayat. Local authority. Very good. Panchayat is a local authority. Like municipal corporation is a bigger level. Is a wider, has a wider scope. Panchayat has a narrow scope. But they perform same functions. So village panchayat performs the functions of, I mean, performs the same function as municipal corporation, but at a village level, town level. Therefore, it is known as village panchayat. So it is local authority. Okay. Mark fed, house fed. Ma'am, wo club wala kaun sa tha? Ye wo hi hai. Association of person. मार्क फेड हाउस फेड ये सब होता है ना. ये ग्रुप बना के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एसोसिएशन ग्रुप बनाते हैं एंड दे हेल्प ईच अदर. मैम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल अंडी आपने वो लिखा है. ओह यस इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. यस देखो आरबीआई को हम कंपनी नहीं बोल सकते ना. देखो आरबीआई के अंडर में जो आती है उसको कंपनी बोल सकते हैं. कंपनी होती है. हाँ सॉरी आरबीआई इज आर्टिफिशियल जुडिशियल है ना. ये लेजिस्लेचर बनाया पूरा इसका पूरा ही गॉडफादर है बैंक्स की. तो ये तो उस कंपनी से भी ऊपर है ना. तो इसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाता है. सॉरी फॉर दैट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. दीज आर द आंसर्स दैट आई हैव गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. So that even if you forget or misunderstand something, you can refer this slide also. So please once again refer it. I'm giving you a minute. Okay, have you noticed?
Was everything correct? Okay, yes, did ma'am. everybody understood? So we are done with yes. person definition. We are done with the previous year assessment year also. So today we have covered three definitions, and I think it is enough for the day, because you have another session which is organized for especially for you guys, so that you can understand what after graduation we can opt. I mean, what all options are there for you after graduation. So हाँ आप ज्वाइन कर लीजिए अभी, ठीक है, 10 मिनट में शुरू हो जाएगा. ओके मैम, नहीं आया है पर मैं देती हूँ आपको, मैं उस पर रिप्लाई करती हूँ. आया है लिंक, आप प्रीवियस चैट में जाइए. हाँ, आ गया, आ गया मैम, आ गया. आप प्लीज अभी ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर के बाद, और उसी में ही बैठकर आप ब्रेक ले सकते हैं. ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय.